subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनो एच पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NMDC लिमिटेड के शेयर को लेकर। NMDC लिमिटेड के शेयर में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे जो है रिसर्च किया देखने को मिला है। कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं पे स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग या फिर आप स्टॉक साथ जीरोदा से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है, ज़रूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो NMDC में दोस्तों एक अच्छा तेज़ी हम लोगों को कुछ दिन से देखने को मिल रहा है, और अगर आप देखेंगे आज का तो है सेल में जो है एक ज़बरदस्त हम लोग बोल सकते हैं लगभग 2.38% के आसपास तेज़ी देखने को मिला है। NLC शेयर जो हम लोगों ने स्टॉक का प्राइस जब कम था 50 रुपये के आसपास से, तभी भी हम लोगों ने इसमें आपको टारगेट प्राइस दिया था, वो भी हिट हो चुका है। ONGC में एक मजबूती बनता हुआ दिखा है, तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिसमें आज एक तेजी बनता हुआ दिखा है। BPCL का भी देख सकते हैं आप, BPCL में एक तेजी बनता हुआ दिखा है। वही अगर देखेंगे NMDC भी जो है एक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे चले देख लेते हैं इतना दिन से स्टॉक में क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है स्टॉक पे। तो 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 93.10 पैसा। 6 महीने के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 96.20% का। 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 142.65 पैसा, एंड 1 मंथ के अंदर स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला है 28.08% का। 5 डेज में स्टॉक में आप देख सकते हैं एक गिरावट देखने को मिला है, एंड 1 डे में अगर आज का देखेंगे तो स्टॉक में फिर से जो एक मजबूती बनता हुआ दिखा है। तो दोस्तों 6 महीने में स्टॉक ने लगभग हम लोग बोल सकते हैं 96 या फिर 100% के आसपास रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस हमें लगता है फिलहाल अभी नहीं रखना चाहिए स्टॉक में, बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। बहुत जो है स्टॉक ने एक मजबूती दिखाया, एक अच्छा रिटर्न भी दिया है इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता। शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ये पता है कि कुछ भी अपडेट्स आता है या फिर कुछ शेयर में चलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर जो हम लोगों ने देखा लगभग 96% के आसपास स्टॉक जो है भागा है, रिटर्न दिया है, और 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 200 के आसपास या फिर यहाँ पे अगर देख लेते हैं एक बार 202 रुपये के आसपास, मतलब 203 रुपया पहुँचने के बाद स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिला है। 1 मंथ के अंदर अगर देखेंगे आप क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते 1 मंथ के अंदर भी स्टॉक 200 रुपये के बाद यहाँ पे एक गिरावट फिर से 202 रुपया 95 जो हम लोगों ने देखा अभी 6 मंथ के अंदर 5 डेज के अंदर देख सकते 178.35 पैसे तक स्टॉक गिरावट दिखाया, उसके बाद फिर से एक मजबूती दिखाया, और यहाँ पे अगर देखेंगे 170 तक फिर से गिरा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा एक जो है टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए जहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिल सकता है 185 से लेके 86 आसपास, मतलब 3 से 4 रुपये के आसपास बहुत जल्दी हो सकता है देखने को मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे जो बाकी का इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा है ये स्टॉक को लेकर रिसर्च किया है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो अभी तक हम लोग जो भी शेयर्स के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग कोशिश करते हैं आपके साथ वो कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, हम लोग कहते भी हमेशा, क्योंकि कुछ भी शेयर में कुछ भी अपडेट्स आता है आप खरीदारी कर लेंगे या फिर सेल कर लेंगे, हो सकता है वो कंपनी जो है फंडामेंटल जो होता है फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी है, तो इसलिए कुछ भी शेयर खरीदने से पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्राफ देख के हम लोग बहुत बार खरीदते हैं बेचते हैं शेयर को, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो फंडामेंटली क्या है, फंडामेंटली क्या अच्छा है वो कंपनी को लेकर जो कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे NMDC के बारे में अगर देखेंगे तो बल्क डील, जैसे कि बहुत बड़ा कुछ बल्क डील फिलहाल तो अभी ये शेयर में देखने को नहीं मिला, बहुत बड़े बाल डील की बात कर रहे हैं हम लोग तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास जो है 68.29% का स्टेक है, एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे तो होल्डिंग 4.18% का होल्डिंग्स है म्यूचुअल फंड के पास, FIS के पास 4.63% का, पब्लिक के पास 6.31% का, तो पब्लिक के पास उतना ज़्यादा शेयर्स तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रोमोटर्स का आप शेयर्स का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स डिक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम
6.65% टू 68.29%, 69.65% टू 68.29%, तो इन मार्च 2021 क्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स ने जो है अपना होल्डिंग कम कर दिया है ये शेयर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 69.65% से 68.29% कर दिया है मार्च 2021 क्वार्टर में। FII FPI इन्वेस्टर जो है वो देख सकते हैं अब इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 4.46% टू 4.63% इन मार्च 2021 क्वार्टर। FII FPI जो है अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है NMDC शेयर में 4.46% से 4.63% कर दिया है मार्च 2021 क्वार्टर में। नंबर ऑफ FII FPI इन्वेस्टर्स जो है वो भी आप देख सकते हैं वो भी बढ़ चुका है 249 से जो है अभी बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं 251 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे FII FPI की ओर से जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग है आप देख सकते हैं होल्डिंग्स बढ़ चुका है NMDC शेयर में, FII FPI इन्वेस्टर्स बढ़ चुके हैं NMDC शेयर में। एंड म्यूचुअल फंड की अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 4.12% टू 4.18% इन मार्च 2021 क्वार्टर। तो म्यूचुअल फंड ने भी जो है अपना यहाँ पे शेयर में जो है अपना होल्डिंग जो है बढ़ा दिया है 4.12% से 4.18% कर दिया है मार्च 2021 क्वार्टर में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्रीज फ्रॉम 31 टू 33% मार्च 2021 क्वार्टर, और यहाँ पे ये भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैव इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 24.98% टू 23.59%, यहाँ पे माफ़ कीजिए 25.39%। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही जो है लगता है कि अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते स्टॉक में एक तेज़ी भी बन सकता है, क्योंकि FII FPI जो है इन्वेस्टर्स बढ़ रहा है ये शेयर में, बढ़ा दिया है अपना होल्डिंग्स भी बढ़ा दिया है FII FPI की ओर से, म्यूचुअल फंड अपना जो है स्कीम बढ़ा दिया है, होल्डिंग्स बढ़ा दिया है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है वो भी जो है बढ़ चुके हैं NMDC शेयर में। तो ये सब अच्छी बातें है ये शेयर को लेके, NMDC शेयर को लेके। तो उसी के चलते अगर देखेंगे कि स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, तो जैसे कि हम लोगों ने बताया है, देखिए जो हमारा ओवरव्यू 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस 202 रुपए के पार पहुंच गया था, 202 रुपए के पार पहुंच गया था, उसके ऊपर स्टॉक गया था। तो यहां पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी देखते हैं और स्टॉक में अभी एक जैसा हम लोग बोल सकते कि एक मजबूती बनता हुआ दिख रहा है, एक तेजी देखने को मिल रहा है NMDC के शेयर में, वैसा ही अगर स्टॉक में थोड़ा और तेजी देखने को मिला तो आराम से जो यहां पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा समय के लिए शेयर में खरीदारी करना है तो लगता है कि 285-86 तक आराम से जा सकता है। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, जरूरी नहीं कि आपको जो हम लोग स्टॉक का कोई भी स्टॉक का टारगेट प्राइस या फिर स्टॉप लॉस जैसे उसी टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस के लिए आपको स्टॉक में खरीदारी या फिर सेल करना है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए वो स्टॉक के बारे में क्या चल रहा है। और NMDC के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है और एक बहुत ही अच्छा जो है शानदार रिटर्न भी दिया है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग को लगता है कि स्टॉक में थोड़ा खरीदारी करके चलना चाहिए। और किसी ने अगर स्टॉक लिया है तो 180 या फिर 183 के आसपास भी तो भी थोड़ा समय होल्ड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि NMDC को लेकर क्या चल रहा है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। आशा करते जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।